हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनने वाली है। तो इंतज़ार की घड़ी आज खत्म हुई जाके आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तैयार हो ना? ओके। ये जो चीज़ है, हेलमेट का चिन माउंट, मोटरसाइकिल हेलमेट स्ट्रैप की वजह से मेरा मोटो ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, तो अभी आज से आ जाएगा। तो अनबॉक्सिंग कर चुका था मैं आज सुबह से ही, मतलब सेटअप करने में बिजी था तो हो गया 10-11 बजते। तो कैसे क्या क्या किया मैं थोड़ा बताऊंगा संक्षिप्त में, शॉर्ट एंड सिंपल में। तो ये रहा ओलन जी का GoPro केस, ओलन जी G9 IV। तो इसमें मैं डाल देता हूँ अपने कैमरा को, कैसे डालना है तो इस केस में डालने के लिए। तो इसे ये खुला हुआ है ना, तो ये आगे आगे से आगे वाला साइड है ये, और ये पीछे वाला साइड है। तो यहाँ पर कैसे डालें तो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये GoPro का बटन, ये पावर बटन, माउंट बटन, तो यहाँ पे बैटरी डालने का वो एक एरिया है। तो ये खुल गया, ऐसे आपको बैटरी दिखाई देगा, बैटरी और मेमोरी इधर दोनों है। तो इसे निकालना है, ये वाला जो पार्ट है कवर का वो जो क्लिप है इसे निकाल के फेंक देना है। तो ऐसे ऐसे निकालते हैं, ये निकल गया ऐसे करके। तो इसे मैं रख देता हूँ साइड में। तो ये खाली हो गया, तो इससे ये कैसे इसे यहाँ पे डालने के लिए डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट डालना चाहो तो नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो ये है ये वाला जो चीज़ है टाइप सी का माइक अडेप्टर जाएगा, ये टाइप सी का माइक अडेप्टर जाएगा ये वाले जगह के लिए। तो ये इसे खोलना पड़ेगा, खोल दिया मैंने इसे। तो ये आराम से घुस जाएगा ये केस के अंदर, ये कैमरा घुस गया। इसके बाद क्या काम होता है हमारा, ये बंद करना है। तो ये बंद हो गया, तो इसको भी बंद कर लेता हूँ आगे से, बंद कर दिया। तो ये जाएगा टाइप सी वाला, ये अपनी जगह पे जाएगा यहाँ पे। इसको आराम से घुसा दिया। तो इधर टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट और इधर 3.5 mm का माइक जैक। तो अब बहुत आसान है, आप लोग भी ट्राई करिएगा जब आप लोग लोगे। अगर मैं शुरुआत से ये इसको सेटअप करने का वीडियो बनाता तो बहुत लंबा हो जाता, तो इससे मेरे को ब्लॉग को छोटा बनाना था, तो 8-9 मिनट वगैरह। तो इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ वीडियो, तो दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो मेरा सेटअप बनके तैयार हो गया, तो आप लोग देख सकते हो माइक का जैक लग गया इधर, और ये इससे चार्ज भी कर सकते हो आप टाइप सी है। ये मोटो ब्लॉग की एसेसरीज में मेरा कितना गया आप लोगों को बताता हूँ अभी के अभी, ठीक है? तो अभी आता हूँ मैं एसेसरीज में, ठीक है? सबसे पहले ये माइक अडैप्टर GoPro का 3.5 mm, ये मेरे को पड़ा 3,700, और ये JBL का माइक ये मेरे को पड़ी 600 में, और ये ओलन जी का केस G9 IV प्लास्टिक केस फॉर GoPro 9, और ये चिन माउंट हेलमेट स्ट्रैप का पैकेट, बॉक्स नहीं है इसके साथ मिला, मेरे को बॉक्स नहीं मिला तो 500 में मिला ये। तो टोटल खर्चा हुआ मेरा इसमें 6,200, और GoPro में 34,900, मतलब 35 पकड़ो, तो टोटल कितना हुआ 41,200 समथिंग। तो मिलता है मोटो ब्लॉग में, ठीक है? तो गाइस, आज मेरी लाइफ का फर्स्ट मोटो ब्लॉग है, तो बहुत 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 से भी ज़्यादा खुश हूँ मैं आज के दिन। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा आज, ओह माय गॉड। अभी मोटो ब्लॉग करके पाड़कों की ओर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त के वहाँ पर हंसुमा सर के घर पे, अपने कैमरा का मेमोरी कार्ड लाना है वहाँ से मेरे को। तो वो है आज का काम, बस स्टैंड से डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को बस स्टैंड से नहीं ले जाऊँगा, तो आज मैं आप लोगों को ले जाऊँगा ऊपर से डायरेक्ट। ये वाला जगह जो दिख रहा है आप लोग, हाँ उधर से ही ओवरब्रिज से ले जा रहा हूँ आप लोगों को आज मैं, ओवरब्रिज से दिखाऊंगा व्यू आप लोगों को।
मेरे हेलमेट का कलर है ब्लैक, मैट ब्लैक। बाहर से मेरे बाहर से मुझे दिखाई नहीं देता और मैं लोगों को देख सकता हूँ। तो काफ़ी ऊपर खावर है तो हो गया। मजे ले, ठंड है बहुत यार। ओहो ओहो 40-45 सही है भाई, सही है ना, मजा आया अब लोगों को गाइस। भरपूर मजा ले रहा हूँ मोटर ब्लॉगिंग का एकदम से। कैमरा के सामने बात करना काफी इजी लगता होगा लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत एनर्जी चाहिए होता है ये सब में और गट्स भी चाहिए होता है बहुत सारा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, शर्म सी आती है। जब पहले करता था शर्म आता था बहुत, तो अभी शर्म गायब है धीरे धीरे। अब से कंटेंट की कमी नहीं होगी तो मजा आ गया। सैमारे लगा पार्क, स्विच गेट जिसे बोलते हैं, लेफ्ट साइड का व्यू, रामपुर बिल। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मेरे को पहुंचने में, 5 मिनट से ज्यादा लग सकता है। पहुंचते पहुंचते पकड़ लो ना, 10 मिनट 20 मिनट जाएगा मेरा सामान उठाने और आने। आज सब कुछ सपना जैसा लग रहा है, सपना ही तो है, सपना ही तो था ये सब मेरे लिए, तो हकीकत में रंग ले लिया। 60 में चला रहा हूँ मैं अभी। बेल बजा रहे हैं। अरे यार क्या रेसिंग करते हैं यार ये लोग भी, दिन को कर रहे हैं, रात को करो। आम आदमी को घर में घुसने दो, उसके बाद जितना रेसिंग करना कर लो आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू थैंक यू, साइड दे दिया, थैंक यू। ये बैटरी वाला माइक है, तो अगली बार जब मैं लूँगा रोड का लूँगा माइक जो 5400-500 समथिंग लेता है, गोप्रो के लिए ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। ऐसे मतलब तारों को छुपाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मतलब एडजस्ट वगैरह कहाँ छुपाना है तार और उसका वो कन्वर्टर वगैरह, ये सब में बहुत तकलीफ होती है। हेलमेट के अंदर वो कपाल भाती रहता है ना, उसके ऊपर लगा हुआ है मैंने, तो धीरे जा रहा हूँ। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाइकर रॉन्ग साइड से आते हैं ट्रैक्टर वगैरह, तो एक्सीडेंटल एरिया बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ में भी होता है एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी, हेलमेट मस्त भी हो गया यहाँ पे, तो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, कानून से चलना। ओहो अरे स्लो से जा रहे और मैं इससे पार करने में लगा हुआ, पार करने से पहले का पुल मेरे को मिल गया और उससे पहले ये देखो रेस्टोरेंट एंड पार्क। ओहो रंग सच से आ रहे हैं, बोला था ना आएंगे, तो अभी देखा आप लोगों को। ये लोग सुधरेंगे नहीं रे। तो पार्को पहुंच गया मैं फाइनली, तो थोड़ा आगे जाके कुछ गांव की ओर वही है पार्कगा एरिया, ये हायर सेकेंडरी स्कूल है पार्कगा का और ये फील्ड है, खेल रहे वॉलीबॉल आगे लड़के लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो आगे से लेफ्ट लाइट लग रही है यार मेरे पे, अरे मोबाइल क्यों देख रहे हो यार, रास्ता पार करो। ओह
एससी जॉन बॉस्को स्कूल, डॉन बॉस्को होता था, ये जॉन बॉस्को लगा दिया। हाँ, जॉन अब्राहम से इंस्पायर्ड है क्या? तो मंजिल के करीब पहुंच गया ना, तो आगे से लेफ्ट लेना है ये ब्रिज के बाद। काफी हरा भरा है जगह सब। ओहो ओहो ओहो, नीचे देखना पड़ेगा ध्यान से, पुल से नहीं जा सकता, पुराना हो गया, गिर जाऊंगा। ओहो ओहो, ले उड़ गया ऊपर, तो पहुंच गया दोस्त के घर में। तो मेमोरी लेता हूँ और चलते बनता हूँ। फंस गया। बजे बोले खड़ा मेमोरी कार्ड मेमोरी हाँ फोन रखे असला जल हले फिर बनिया सोनी मेमोरी है पैसे पीने का खामनेबो बेसेबांसिम सहैखो जाने थांसै थौ थांसै सिरेला सिरेखा बनायले सिरेखा बसे हा बियोंदि खादों सिसोंदो मा सिसोंदो थाय दखना दखना सुंदर बाबु हे दखना मा होनो मोनलाय बेखौ र आगुर गयो आगुर गय बिदन मोजां थाना के भाई के नले नहीं जा भाई दाना मजा लेके हंसी रहा आयो थी बड़े का अफसर होगा डान तो काम खत्म हो गया मेरा, मेमोरी ले ली, तो अभी घर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और माइक की क्वालिटी कैसी है आप लोग बताना, थोड़ा सा फोगी आज का दिन, तो सूरज की किरणें भी कम कम पड़ रही है और आगे से लाइट आ रही है। ओहो मार रहे धड़ाधुम गुलेल से मार रहा गुलेल, हमारे कल्चर की चीजों को देख के बहुत मजा आता है, कोई भी किसी का भी ट्राइब का भी कल्चर हो मजा तो आना ही है। कल्चर एक ऐसी चीज है जो हमें खींचे चले ले जाती है उसके सामने, तो ट्रू इंडियन होने के लिए साइड से जाना पड़ेगा। लोहा काट रहे अब साइड से नहीं जा सकता, सीधे ही जाना पड़ेगा। आगे तक तो काम नहीं है मेरे को, तो घूमता जा सकता है। मोमो खाने आता था मैं इस साइड में पहले, जब मोमो नहीं मिलता था, अभी तो लोकल में मिल जाता है, कहाँ खाएं ये प्रॉब्लम है। दुकान की लाइन लगी पड़ी है, अम्मा इंग्लिश स्कूल ये बताना भूल गया था यहाँ पे है सीआरपी के में आगे लेफ्ट में। ओहो ओहो मजा आ गया व्यू। ओहो एक हेलमेट में और बिना हेलमेट के दूसरा बंदा पीछे वाला हेलमेट हाथ में लेके रखा है। ओहो जियो ये जिएगा या मरेगा,
धीरे क्यों चला रहे थे? अभी शायद घर जाना बेहतर रहेगा मेरे लिए। मैं नहीं चाहता कि ब्लॉग लंबा हो, इसलिए मैं घर में जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ। बागेश्वर में मिलने वाला है, तो मेरा ड्रीम बाइक NS200 दिखाई देगा आप लोगों को। मैं लूँगा जब समय आएगा। बता के रख दे, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन के लिए 2016 में मेरे पास हॉर्नेट थी, 160 हॉर्नेट, होंडा हॉर्नेट 160R समथिंग नाम से, मैट ब्लैक एंड ऑरेंज कलर मिक्स था, काफ़ी सेक्सी थी। मैं ही पहले लाया था यहाँ पे मेरे एरिया में। ओके, मैं भी रात को जा रहा हूँ, लग नहीं जाऊँगा, मैं भी लग दे दिया अभी नीचे। बच्चे लोगों के खेलने का टाइम हो गया है, खेल रहे बचपन का खेल। हेलो दीन। तो गाइस, मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।